हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टेक्निक क्लब। दोस्तों मेरा नाम है कौशिक, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों कुछ डिवाइस के अंदर दोबारा से जो स्टेबल अपडेट रोल आउट किया गया और कुछ डिवाइस के अंदर एकदम फ्रेश स्टेबल अपडेट जो रोल आउट किया गया। आज हम बात करेंगे उन्हीं स्टेबल अपडेट के बारे में, कौन से डिवाइस के अंदर आज आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल रहा है रियलमी की तरफ से। और दोस्तों ये जो स्टेबल अपडेट है ऑब्वियसली रियलमी Z12 का स्टेबल अपडेट है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज आपको हमें देना है, एक सिस्टम UI के अंदर चेंज आया है आफ्टर अपडेट, वो भी आज आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो क्यों आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको इस तरह अपडेट को भी इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑल पे क्लिक करना, ताकि ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रियलमी नार्सो 34G के बारे में। दोस्तों जो रियलमी नार्सो 34G क्या अक्टूबर बैच का स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट हो गया है। हमने कहा था आपको सबसे पहले ये जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया जाएगा, यहाँ पे जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया गया। आप देख सकते हैं RMX21.56.11.8.08 वर्षन, ये जो वर्षन है आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वर्षन अपडेट है। 1.66 GB का है जो अपडेट है रोल आउट कर दिया गया, और ऑब्वियसली एंड्रॉइड 12 और रियलमी 30 का स्टेबल अपडेट है। कितने लोगों को ये अपडेट देखने को मिला है जरूर नीचे कमेंट करके बताना। अभी तक बहुत से यूजर्स को ये अपडेट जो है देखने को मिल भी गया है, आपको देखने को मिला है या नहीं मिला है जरूर नीचे चेक करिए और हमें बताइए। चलिए अब बात करते हैं रियलमी नार्सो 20 प्रो के बारे में। दोस्तों रियलमी नार्सो 20 प्रो के अंदर जो अपडेट है वो रोल आउट कर दिया गया 8.08 का स्टेबल वर्षन। बहुत से लोगों को जो है 8.08 का स्टेबल वर्षन देखने को मिल गया, बट अक्टूबर मंथ का जो बैच है वो दोबारा से रोल आउट करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं RMX21611 8.08 2161 जो है ये 20 प्रो का मॉडल कोड है। और आप देख सकते हैं ये जो है रियलमी 30 का स्टेबल अपडेट है। तो बहुत से यूजर्स को जो है आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, चेक कीजिए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के सेक्शन पे, वहाँ पे आपको शायद देखने को मिल जाए रियलमी 30 के स्टेबल अपडेट, ये भी नार्सो 20 प्रो के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं रियलमी 9i की तरफ। दोस्तों रियलमी 9i 4G के अंदर C.06 का जो अपडेट है वो देखने को मिल गया है। 1.6 GB का अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों को बताया ये जो अपडेट है C.06, ये भी एक स्टेबल वर्जन है रियलमी 9i के अंदर। कितने लोगों को अभी तक रियलमी 9i के अंदर एंड्रॉइड 12 का स्टेबल अपडेट देखने को मिला है हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताना। और कितने डिवाइस के अंदर अभी भी रियलमी 2.0 और एंड्रॉइड 11.1 चल रहा है अपने रियलमी 9i के अंदर, वो भी हमें कमेंट करके बताना। क्योंकि जो अक्टूबर मंथ का बैच है वो रोल आउट होगा, अभी भी रोल आउट नहीं हुआ है, बट बहुत से यूजर्स को जो है 6.06 जो अपडेट है वो देखने को मिल गया है अक्टूबर मंथ के पहले दिन से ही है। वेल रियलमी नार्सो 35G एंड रियलमी 9 5G, इन दोनों डिवाइस के अंदर कुछ दिन पहले जो अपडेट है C.04 का अपडेट रोल आउट कर दिया गया था। और दोस्तों ये जो C.04 अपडेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे Jio 5G सपोर्टेड अपडेट आपको देखने को मिल रहा था। और एक और इंपॉर्टेंट चेंज जो है इस अपडेट के बाद आया है, आपको बताता हूँ। ये जो है एक स्टेबल वर्जन है, बहुत से लोगों को जो स्टेबल अपडेट अभी तक देखने को नहीं मिला है 9 5G के अंदर, तो ये C.04 स्टेबल अपडेट है। इसके बाद आपको एक नया फीचर्स देखने को मिलता है, चलिए वो क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे बात करें 9 5G एंड नार्सो 35G, इन दोनों में ही आपको जो फाइल मैनेजर है वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फाइल मैनेजर का सिस्टम UI है वो यहाँ पे चेंज हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सिस्टम UI जो है वो चेंज हुआ है 9 5G एंड रियलमी नार्सो 35G के अंदर। और दोस्तों साथ ही साथ थोड़ा सा बैटरी ड्रेन का इशू आया है और Jio 5G सपोर्टेड अपडेट भी आपको देखने को मिल गया है इस अपडेट के साथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था, कितने लोगों को ये अपडेट देखने को मिला है अभी तक जरूर नीचे हमें कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, और यहाँ पे आपको पता चला कि कौन से डिवाइस के अंदर आज से जो है स्टेबल अपडेट रोल आउट हुआ। और हम ऐसे ही करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ जो अपडेट आता है वो हम आपको नोटिफाइड करके रखते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में नोटिफिकेशन बिल को ऑल में क्लिक करके रखना, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे कि किस डिवाइस के अंदर कब जाके कौन सा अपडेट रोल आउट हुआ है और क्या क्या फीचर्स है, वहाँ पे सारे कुछ जो अपडेट्स के रिव्यूज़ है वो आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले। तो यही था वीडियो, मैं मिलता हूं तब तक लेता है।